हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं अपना चैनल विजन बेसब्रुत। इसके पिछले वाले वीडियो लेक्चर में हम लोग स्टैंडर्ड इंटीग्रेशन की बात किए थे और उसमें हम लोगों ने कुछ इम्पॉर्टेंट फार्मूला डिस्कस किया था, 20 फार्मूला। आज हम लोग इस वीडियो लेक्चर में भी फार्मूले की ही बात करेंगे, उसके आगे। यह वीडियो लेक्चर स्टैंडर्ड इंटीग्रल से रिलेटेड सेकेंड वीडियो लेक्चर है। तो देखिए, जो पहला फार्मूला इसमें होगा आपका tan x का होगा, तो tan x बराबर आपका हो जाएगा log sec x हो जाएगा और प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा। cot x का क्या हो जाएगा, log mod sin x और प्लस कोई कांस्टेंट। उसी टाइप से cos sec x का क्या हो जाएगा, तो इसका हो जाएगा log mod कॉसेक एक्स माइनस कॉटेक्स प्लस कोई कांस्टेंट। सेक एक्स का क्या हो जाएगा, तो लॉग मॉड सेक एक्स माइनस टेन एक्स प्लस कोई कांस्टेंट होगा। उसके बाद जो नेक्स्ट फार्मूला है, ई का पावर एक्स इंटू एफ एक्स प्लस एफ डैश एक्स डी एक्स। देखिए, एफ एक्स का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, ये डैश का मतलब डिफरेंशिएशन, और e का पावर x इंटू में है, तो इसका जो फार्मूला होगा e का पावर x इंटू एफ एक्स प्लस कोई कांस्टेंट। मतलब कोई फंक्शन है और उसी का डिफरेंशिएशन यहाँ पे है, तो ओवरऑल इंटीग्रल की वैल्यू क्या हो जाएगी, e का पावर x इंटू जो फंक्शन होगा प्लस कोई कांस्टेंट। वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 अपॉन ए टेन इनवर्स एक्स अपॉन ए। अब देखिए, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का क्या हो जाएगा, तो 1 अपॉन टू ए लॉग मॉड एक्स माइनस ए अपॉन एक्स प्लस ए प्लस कोई कांस्टेंट। यहाँ पे देख लीजिए, 1 अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, तो 1 अपॉन टू ए तो रहना ही रहना है, और ये देखिए मॉड a माइनस एक्स अपॉन ए प्लस एक्स हो जाएगा और ये प्लस कोई कांस्टेंट हो जाएगा। ठीक है, इसमें और भी फार्मूला है तो हम लोग अभी आगे डिस्कस कर रहे हैं। तो फ्रेंड्स, जो नेक्स्ट फार्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का देखिए रूट लगाया यहाँ, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। नेक्स्ट जो फार्मूला है, 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर रूट, तो लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। नेक्स्ट जो फार्मूला है, 1 अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डी एक्स इजकल टू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोई कांस्टेंट। अगर हमें इंटीग्रेंड अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगी तो फार्मूला होगा 1 अपॉन टू एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टू ए स्क्वायर इंटू साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए प्लस कोई कांस्टेंट। जो नेक्स्ट फार्मूला है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन हाफ एक्स इंटू ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस हाफ ए स्क्वायर इंटू लॉग एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोई कांस्टेंट। ये देखिए, थोड़ा ध्यान दे करके सिमिलरिटी को देखते हुए आपको इन सभी फार्मूले को याद रखना चाहिए, चाहे आप किसी भी बैकग्राउंड को हैं, चाहे आप मैथमेटिक्स प्योर मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हों या तो फिर बायो बैकग्राउंड के हों, क्योंकि कहीं ना कहीं अगर आप केमिस्ट्री भी पढ़ेंगे तो केमिकल काइनेटिक्स में ये यूजफुल होगा। फिजिक्स तो कॉमन ही रहता है, चाहे आप मैथ पढ़िए चाहे बायो पढ़िए, फिजिक्स तो आपको पढ़ना ही पढ़ना है। तो जो पहला चैप्टर है एलिमेंट्री मैथमेटिक्स फिजिक्स में, उसमें मैथमेटिक्स के ही बहुत सारे टॉपिक्स लिए गए हैं कि ताकि फिजिक्स की डेराइवेशन में आपको कहीं कोई दिक्कत ना हो। इसलिए चाहे आप मैथ बैकग्राउंड को हों या बायो बैकग्राउंड के हों, आपको कुछ मैथमेटिकल टूल्स तो जानने हैं, समझने हैं और इसको दिमाग में रखने हैं ताकि आपका फिजिक्स स्ट्रांग हो सके। अगर आप
बायो बैकग्राउंड के हैं, मैथमेटिक्स बैकग्राउंड के हैं, तो आपको फिजिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए और मैथमेटिक्स भी स्ट्रांग होना चाहिए। जो नेक्स्ट फार्मूला है अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर डी एक्स, यहाँ पर देखिए इंटीग्रेंट क्या है, अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो हाफ एक्स इंटू अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वन बाई टू ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस कोई कॉन्स्टेंट हो जाएगा। जो नेक्स्ट फार्मूला है अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर डी एक्स, हाफ एक्स इंटू अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस हाफ ए स्क्वायर लॉग मॉड एक्स प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस कोई कॉन्स्टेंट। देखिए जो एक टाइप के हैं तो उसमें आपको ध्यान देना पड़ेगा किस तरीके से हम इसको मैं दिमाग में रखूँ, हो सकता है आपका कुछ अपना टेक्निक हो। अब जैसे देख लीजिए ए स्क्वायर पॉजिटिव यहाँ भी है यहाँ भी पॉजिटिव है, तो ये देखिए प्लस लगाया हुआ है, यहाँ ए स्क्वायर नेगेटिव है तो माइनस लगा हुआ है। अब जो नेक्स्ट फार्मूला है दो फंक्शन है उनका प्रोडक्ट है उसका इंटीग्रेशन है, तो यू अनचेंज, मान लीजिए यू फर्स्ट फंक्शन है वी सेकेंड फंक्शन है, तो पहला फंक्शन अनचेंज दूसरे फंक्शन का इंटीग्रेशन माइनस पहले फंक्शन का डिफरेंशिएशन दूसरे का इंटीग्रेशन फिर होल का इंटीग्रेशन, और इस प्रोसेस को हम बोलते हैं इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। बाय पार्ट्स एक मेथड का नाम है, और बाय पार्ट्स तभी लगता है जब दो फंक्शन प्रोडक्ट के रूप में हों और उन दोनों फंक्शन को हमें इंटीग्रेट करना हो। हलो बढ़ते हैं नेक्स्ट फार्मूले की तरफ। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फार्मूला है ये भी देखिए फार्मूला बहुत ही बेहतरीन है, ये सभी जो है ये जो आप देख रहे हैं ये सभी बहुत ही बेहतरीन है, और ये फार्मूला तब लगेगा जब आपको सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा इंटीग्रेट करना होगा। तो फ्रेंड्स जो नेक्स्ट फार्मूला है इस तरीके से है एफ डैश एक्स एफ एक्स डी एक्स, जो फंक्शन है उसका ये डिफ्रेंसिएशन मौजूद है, तो उस सिचुएशन में इसका जो इंटीग्रल होगा वन अपॉन टू एफ एक्स का होल स्क्वायर प्लस कोई कॉन्स्टेंट। जो नेक्स्ट फार्मूला है एफ डैश एक्स अपॉन अंडर रूट एफ एक्स डी एक्स, तो ये हो जाएगा टू अंडर रूट एफ एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट। उसके बाद इंटीग्रल एफ डैश एक्स अपॉन एफ एक्स डी एक्स बराबर लॉग मॉड एफ एक्स प्लस कोई कॉन्स्टेंट, ये कॉन्स्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन है और ये आर्बिट्रेरी कॉन्स्टेंट है, मैं के ले रहा हूँ, आप कोई दूसरा भी कॉन्स्टेंट यूज कर सकते हैं। एफ एक्स होल पावर एन एफ डैश एक्स डी एक्स, तो एफ एक्स का पावर एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन प्लस कोई कॉन्स्टेंट, अंडर रूट एफ एक्स इंटू एफ डैश एक्स डी एक्स बराबर हो जाएगा टू अपॉन थ्री एफ एक्स होल पावर थ्री अपॉन टू प्लस कोई कॉन्स्टेंट। इन सभी फार्मूले को आप सब्स्टिट्यूशन मेथड के द्वारा डिराइव कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स इस वीडियो लेक्चर में इतना ही, हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि आपको लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन समय से मिलता रहे। तो फ्रेंड्स थैंक्स फॉर वॉचिंग।